अगर मुझे दिन का 4 लीटर पानी खत्म करना है तो मुझे इतना खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इतना खत्म करने जाऊं तो एक पॉइंट के बाद जबरदस्ती लगने लगेगी, और इस जबरदस्ती को मैं 4 दिन सह सह के पूरा कर भी लूं तो 5वें दिन में मैं गिव अप कर ही दूंगा। इंस्टेड अगर इन 4 लीटर में से थोड़ा सा नींबू शरबत से आता है, थोड़ा डाइट कोक से आता है, थोड़ा फ्लेवर्ड इसबगोल डाल के आता है, क्रिएटिन या वे प्रोटीन भी काउंट कर सकते हो, तो थोड़ा मजा भी आने लगेगा। फिर ये 4 लीटर खत्म करना जबरदस्ती नहीं लगेगी, ये पूरा प्रोसेस सस्टेनेबल लगेगा। 4 लीटर डाइट कोक और 4 लीटर सादा पानी के बीच में ये जो स्वीट स्पॉट आता है ना, यहाँ एग्जिस्ट करता है सस्टेनेबिलिटी। मैं यहाँ पानी की बात करने नहीं आया, ये सेम कंसेप्ट आपके डाइट और वर्कआउट में अप्लाई करने कह रहा हूँ। सिर्फ क्लीन फूड्स रखोगे तो जबरदस्ती लगेगी, लेकिन प्रोसेस फूड्स की चिंता किए बिना डेली 2 ब्रेड स्लाइसेस 2 चीज स्लाइसेस अपने डाइट में ऐड कर दोगे तो आगे का डाइट फॉलो करना जबरदस्ती कम सस्टेनेबल ज्यादा लगेगी। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो सस्टेनेबल अप्रोच का एग्जांपल दिया है ना मैंने, वो शायद सब पे अप्लाई ना हो। जो आदमी एक पीस खाके पूरी पैकेट खत्म करने की कैपेसिटी रखता है उनके लिए अलग सॉल्यूशंस है। अगर वो सॉल्यूशंस क्या है ये जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।